कभी कभी नी रिप्लेसमेंट के बाद भी मरीज़ रिकवर क्यों नहीं करते हैं? ये एक आम सवाल है और लोग इस चीज़ को सोच सोच के दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं बट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं कराते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो इसका सबसे आम कारण है कि लोग घुटने का रिप्लेसमेंट सही समय पे नहीं कराते। शुरुआती स्टेज में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 ग्रेड 5 है उस समय अगर आप रिप्लेसमेंट करा लें तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। आप मेरे पेशेंट टेस्टिमोनियल वीडियोस भी यूट्यूब पे देख सकते हैं वेयर द पेशेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड। पर जो मरीज़ इस सर्जरी को टालते हैं टू द एक्सटेंट तब तक वेट करते हैं जब तक कि मसल्स भी वीक ना हो जाएं, नर्व्स में प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो जाए, साथ साथ और कई सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, तब सिर्फ और सिर्फ नी रिप्लेसमेंट कराने से वो बात नहीं होती, वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। आमतौर पे जो पेशेंट रिप्लेसमेंट के बाद भी संतुष्ट नहीं होते वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें पिछले 10 साल से रिप्लेसमेंट के लिए बताया जा रहा था। उन्होंने रिप्लेसमेंट सर्जरी तब कराई जब एकदम ही वो चलने लायक नहीं बचे थे। उस स्टेज में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, बेशक दर्द कम हो जाएगा, वो पहले के पोजीशन से काफ़ी बेहतर चलेंगे, पर अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वो बहुत एक्टिव लाइफ लीड करें वो संभव नहीं है। इसलिए जब आपके सर्जन आपको रिप्लेसमेंट के बारे में सजेस्ट करें उस समय उसके बारे में विस्तार से समझें, सोच विचार करें और उसको टालें नहीं, नहीं तो इसके रिजल्ट्स 5 साल 10 साल के बाद कराने से उतने अच्छे नहीं होंगे।